वेला प्रारंभ हो उसके 5 मिनट पहले तक ये सोते रहे। वैसे 3 के बाद 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, ब्रह्म वेला, ठीक है ना, 3:30 बजे। प्रयास करना चाहिए 4 बजे तक चारपाई छोड़ देना चाहिए, बिस्तर स्तर 4 बजे तक छोड़ देना चाहिए, प्रयास करो। अच्छा भैया एक बात बताए, कोई बात नहीं है 5 बजे तक छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक आध घंटे और तुम मशक्कत कर लो अपने नींद से, कुश्ती लड़ लो जो करना है, 5 बजे बिस्तर छोड़ दो। अगर 5 बजे नहीं छोड़ रहे हो तो आधा घंटे का मौका हम और दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5:30 बजे, और यदि 5:30 बजे भी तुम बिस्तर नहीं छोड़ रहे तब हम महात्मा कहते हैं सूर्य भगवान से कि अब तुम में ताकत हो तो जगाओ, जगाओ। सूर्य भगवान कहते हैं कि हम जगाएंगे, सूर्य भगवान ने किरण दी, लेकिन बाहरे लोगों तुमने हाल पर्दा बंद कर लिया, क्यों पर्दा बंद कर लिया कि धूप नहीं आनी चाहिए, क्यों भाई? तो सूर्य भगवान भी कहने लगे कि कुंभकर्ण के चाचा हैं ये सब, अब हम इनको नहीं जगा सकते, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि कुंभकर्ण मरा तो वसीयत इन्हीं लोगों के नाम लिख के चला गया। इसलिए मैं कहता हूं कुंभकर्णी नींद को त्यागो, कोशिश करो कि हम सूर्य की किरण निकलने के पहले पहले बिस्तर छोड़ दें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। भगवान ने कहा कि इतना डोज दिलवा दो सीता कि ये ब्रह्म वेला जैसे प्रारंभ हो उसके 5 मिनट पहले तक सोते रह जाएं, क्योंकि जब भी यात्रा करनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के पहले यात्रा करने का कोई वो भूत वेला होती है, और यात्रा करियो भूत ही भूत लग जाएंगे पीछे, समझ लेना। ब्रह्म मुहूर्त में चलो, कौन से मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त में। आजकल तो पता ही नहीं, लोग 2 बजे चल रहे रात को, 2:30 बजे चल रहे रात को, 3 बजे, रात भर इधर से उधर उधर से उधर साए साए मची रहती है, क्यों भाई? सड़क खाली नहीं है, कान रात्रि को 2 बजे आप थोड़ा लगाएं रोड की तरफ तो साए 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 की आवाज सुनाई देती है, बोलो देती है कि नहीं देती है? सड़क खाली नहीं है, इतनी व्यस्त लाइफ है तुम्हारी, इतनी व्यस्त लाइफ हो गई है कि फुर्सत ही नहीं है तुम्हें। अच्छा फुर्सत कब मिलेगी? फुर्सत मिलेगी कभी? एक दिन ऐसी फुर्सत मिलेगी कि याद रखना सारा गांव तुम्हें जगाएगा लेकिन तुम जगोगे नहीं, ऐसी फुर्सत मिलेगी। सावधान, ब्रह्म मुहूर्त में जो जगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा के समय रक्षा और उनके जीवन की रक्षा स्वयं ब्रह्म करता है प्यारे, जो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं वो ब्रह्म उनकी रक्षा करता है, समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे मुहूर्त में जग रहा है, हमारे मुहूर्त में जग रहा है, इसलिए उसका नाम ही है ब्रह्म मुहूर्त, वो ब्रह्म ही का मुहूर्त है, वो किसका मुहूर्त है? वो ब्रह्म का मुहूर्त है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगो तो सारी जिम्मेवारी किसकी है? ब्रह्म की है, तो बस उसी समय जगें। कहा ठीक अभी जाती हूँ, प्रभु आज्ञा दो। भगवान राम ने आदेश दिया, किशोरी जी ने आदेश दिया, जाओ और प्रणाम करके जैसी योग माया गई तो योग माया ने ऐसा डोज दिया कि ब्रह्म वेला में भगवान निकले और ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा ही सब हुआ कि भगवान निकल गए, इसके बाद अयोध्या वासी सब जागे। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आने ही वाला है, भगवान राम ने उसी समय जग के कहा किशोरी तैयार हो जाओ, अब रथ कौन चलाएगा? गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी पर दृष्टि गई, तो जैसे ही सुमंत जी पर दृष्टिपात हुआ और भगवान के दृष्टिपात से सुमंत की नींद भाग गई, सुमंत जी खड़े हो गए, भगवान ने इशारा किया इधर आओ, सुमंत जी पास में आ गए, और जैसे ही पास में आए आदेश, आदेश नहीं, आप पिता के समान हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आपसे कि रथ को आगे बढ़ाओ, रथ को खोज मार रथ ताता शब्द, बोलो सम्मान सूचक है कि नहीं? ताता शब्द कहा है सुमंत जी के लिए, बोलो ये सम्मान सूचक है कि नहीं? जिसका आप सम्मान करते हैं उसको आज्ञा नहीं दे सकते, उससे निवेदन कर सकते हैं कि आज्ञा नहीं दे सकते? खोज मार रथ हाँ कहूं ताता आने
आगे बढ़ाइए, प्रार्थना कर रहा हूँ। सुमंत जी ने कहा आपकी आज्ञा, और जैसे रथ तैयार हुआ इतने में लक्ष्मण जी खड़े हो गए। भैया भैया भैया, भगवान बोले स्वर तेज नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया भैया, अरे भैया भैया कहो लेकिन धीमे स्वर में कहो। चलना चाहते हो? आपके साथ तो चलेंगे ही, हम छोड़ ही नहीं सकते आपको, आपके चरण की सेवा का संकल्प लेके आया हूँ। अच्छा तो चलना चाहते हो तो जल्दी चलो। लक्ष्मण जी बोले 2 मिनट का मौका दे दो। भगवान बोले मौका किस बात का, किस बात का मौका? लक्ष्मण जी बोले इस बात का मौका कि जितने सब सो रहे हैं इनको जगा दें। भगवान बोले बड़ी मुश्किल में तो सुला पाए, तुम जगाने का ठेका लिए बैठे हो। बहुत मुश्किल में सुला पाए, तुम जगाने की बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी बोले अगर ये इनको जगाएंगे नहीं तो ये जब जागेंगे तो पता नहीं तमसा नदी में डूब करके प्राण न दे दें, क्योंकि आपका वियोग नहीं सह सकते। इन्होंने सब कुछ छोड़ा आपके पीछे, और आप भी इन्हें छोड़ के चले जाएंगे तो ये आपके वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सब तमसा नदी में डूब करके प्राणांत कर देंगे, इसलिए प्रार्थना है कि इन सबको जगा लिया जाए। भगवान ने कहा ऐसा है लक्ष्मण, इन सबको साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये आपके साथ आए हैं, यहां तक आए विश्वास में, कहे मैंने पहले ही रोका था इनको कि रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन ये रुके नहीं, चले आए। तो ये कहीं प्राणांत कर दिए तो अपयश आपको मिलेगा। भगवान ने कहा नहीं, मृत्यु किसकी कब होनी है ये विधाता जानता है। बोलो ये कौन जानता है, जल्दी बोलो। विधाता के अलावा कोई जानता है मृत्यु किसकी कब होनी है? ये विधाता जानता है। और याद रखना, इनकी मृत्यु का योग तमसा में नहीं है। प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम, ये हमारे साथ जाएंगे, सब सरजू के रास्ते से जाएंगे, हमारे धाम जाएंगे। और बोलो पूरी अयोध्या किसके साथ गई? भगवान के साथ गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? किसके साथ गई? भगवान के साथ। सोचने की जरूरत है। भगवान कहते हैं इनकी मृत्यु का योग सुनिश्चित है ये मैं जानता हूं। लक्ष्मण तुम निश्चिंत हो जाओ, एक भी नहीं मरेगा, एक भी नहीं मरेगा, ये सब वापस अयोध्या जाएंगे। तो इसका मतलब है कि चार ही रहेंगे वन में, चार ही रहेंगे। कौन कौन? कहे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और हम तीन, हम लोग चार। भगवान बोले तीन ही रहेंगे, चार नहीं रहेंगे। तो प्रधानमंत्री बोले गंगा के तट से इनको भी वापस कर देंगे, बस अंतर इतना होगा इन्हें सोता छोड़ रहा है, इन्हें रोता छोड़ेंगे। क्यों भाई? इन्हें रोता हुआ छोड़ेंगे, इसलिए बरबस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप तहाए। सुमंत जी रोते रोते बोलो वापस अयोध्या आए कि नहीं आए? रोते रोते वापस आए। भगवान गंगा के किनारे आ